बिलासपुर की जनता को आज एक बड़ी सौगात मिली है। बिलासपुर के लोगों को अब इंदौर की फ्लाइट के लिए रायपुर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उन्हें बिलासपुर के लिए बिलासा एयरपोर्ट से इंदौर के लिए फ्लाइट मिल जाएगी। सीएम भूपेश बघेल की कोशिशों से बिलासपुर से इंदौर और इंदौर से बिलासपुर के लिए फ्लाइट की सुविधा आज से शुरू हो गई है, जिससे अब बिलासपुर और इंदौर के बीच की दूरी घंटों में तय की जा सकेगी। आज से इस रूट पर विमान सेवा शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिलासा देवी केनवर्ट एयरपोर्ट से विमान को इंदौर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट इंदौर में शामिल हुए। आपको बता दें कि एलायंस कंपनी ने अपनी सेवा में विस्तार करते हुए बिलासपुर से इंदौर के बीच विमान सेवा शुरू की। विमानन कंपनी अभी बिलासपुर से नई दिल्ली, प्रयागराज और जबलपुर की फ्लाइट चला रही है। पर्याप्त यात्री न मिलने की वजह से विमानन कंपनी ने भोपाल फ्लाइट को 26 सितंबर से बंद कर दिया है। इसके बाद नई दिल्ली जबलपुर से भोपाल जाने वाली फ्लाइट का 3 अक्टूबर से इंदौर तक विस्तार करने का फैसला लिया गया। राज्य के लोगों को इंदौर के लिए हवाई यात्रा की सुविधा हफ्ते में 4 दिन यानी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को मिलेगी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में विमानन सेवाओं के विस्तार के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद देने के लिए तत्पर है। उन्होंने इस नई विमान सेवा के शुरू होने पर बिलासपुर और इंदौर के लोगों को ढेरों बधाई दी और कहा कि बिलासपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग बिल्कुल सही है। एयरपोर्ट के रनवे के विस्तार के लिए अधिक जमीन की जरूरत होगी। इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि सरकार ने चकरभाटा एयरपोर्ट से लगी हुई 1000 एकड़ भूमि सेना को दे दी गई थी, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब राज्य सरकार इस भूमि को वापस लेने की कोशिश कर रही है। कार्यक्रम में सांसद अरुण साव, बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। बहरहाल बिलासपुर से इंदौर के लिए अब फ्लाइट की सुविधा शुरू हो गई है, जिससे लोगों को बेहद फायदा होगा।